हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉन्ग कैनवास। मैं ऋतु परनाम फिर से एक नई ड्राइंग लेके आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगी मकर संक्रांति स्पेशल ड्राइंग विद ऑल पेस्टल कलर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। और ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। रॉन्ग कैनवास ने एक नया ड्राइंग चैलेंज लॉन्च किया है, रॉन्ग कैनवास लिटिल स्टार आर्ट रूम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो चैलेंज को विजिट कर सकते हो। और हाँ, पसंद आने से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, मैं आज को मकर संक्रांति स्पेशल ड्राइंग दिखा रही हूँ। मैं पहले काइट ड्राइंग कर रही हूँ। लाइन ड्राइंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ डॉम्स का HB पेंसिल। आप चाहो तो दूसरा और कोई पेंसिल भी यूज कर सकते हो। अब मैं ये दूसरा छोटा वाला काइट ड्राइंग कर रही हूँ। अब मेरा सब काइट ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं काइट का जो वुडन स्पूल होता है वो ड्राइंग कर रही हूँ। अब मैं कंपास के हेल्प से एक राउंड शेप बना रही हूँ। अब मेरा पेंसिल ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कलर करने की। और इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज करने वाली हूँ वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कलर। अब मैं कलर कर रही हूँ। पहले मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। अब वर्मिलियन, नाउ ऑरेंजिश येलो, नाउ मीडियम येलो। अब मैं कॉटन बर से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं कोबाल्ट ब्लू यूज कर रही हूँ। अब मैं स्काई ब्लू यूज कर रही हूँ। अब मैं कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं फिर से ऑरेंजिश येलो यूज कर रही हूँ। नाउ मीडियम येलो, वर्मिलियन, क्रिम्सन लिक। अब मैं एक्रेलिक का येलो कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं एक्रेलिक व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। अब मेरा ये काइट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये सेकंड काइट कर रही हूँ। पहले ऑरेंजिश येलो और मीडियम येलो दे रही हूँ। नाउ रोज पिंक, वर्मिलियन, ऑरेंज। ऑरेंजिश येलो, फिर से वर्मिलियन, पिंक। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बर्ड से। अब मैं ऑरेंजिश येलो से हाईलाइट कर रही हूँ।
अब रोज पिंक से डार्क पोर्शन कर रही हूँ। नाउ ग्रास ग्रीन यूज कर रही हूँ मैं। नाउ लाइट ग्रीन। नाउ लेमन येलो। फिर से एक्रेलिक व्हाइट यूज कर रही हूँ। नाउ एक्रेलिक येलो। अब मैं पेल येलो यूज कर रही हूँ, मीडियम येलो, ऑरेंज, ऑरेंजिश येलो, स्कारलेट, वर्मिलियन, ऑरेंज, ऑरेंजिश येलो, येलो। अब ब्लेंड कर रही हूँ। फिर से स्कारलेट, मीडियम येलो, ऑरेंज, कोबाल्ट ब्लू से ये तीसरा काइट कर रही हूं मैं। ये पहले वाला जो काइट था उसके तरह ही सेम कलर ही होगा, सेम कलर टोन का ही मैंने किया है ये काइट भी। मैं जहाँ काइट में शेडो पड़ रहा है, आई मीन डार्क पोर्शन में, उसमें कोबाल्ट ब्लू यूज किया है। व्हाइट से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ऑरेंजिश येलो, लाइट ऑरेंजिश येलो, फिर मीडियम येलो, नाउ पेल येलो, ऑरेंज, ऑरेंजिश येलो, मीडियम येलो। अब ब्लेंड कर रही हूँ मैं। वर्मिलियन, स्कारलेट, फिर से सेम व्हाइट एक्रेलिक से मैं डिजाइन कर रही हूँ काइट में। एक्रेलिक येलो यूज कर रही हूँ। ऑरेंजिश येलो, रोज पिंक, ऑरेंज, वर्मिलियन, पिंक, फिर से वर्मिलियन, फिर से ऑरेंज, मैं ब्लेंड कर रही हूं। क्रिम्सन लेग से मैं डार्क पोर्शन कर रही हूं। ऑरेंजिश येलो, मीडियम येलो, ऑरेंजिश येलो, मीडियम येलो। पेल येलो, मीडियम येलो, ऑरेंजिश येलो, ऑरेंज, पर्पल, स्कारलेट, वर्मिलियन, ऑरेंज, ऑरेंजिश येलो,
डार्क पर्पल यूज कर रही हूँ मैं और राउंड शेप में। नाउ अल्टामेरियन ब्लू, रोज पिंक, फिर से अल्टामेरियन ब्लू, डार्क पर्पल, अल्टामेरियन ब्लू, अब मैं फिंगर से रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर से बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है, लेकिन वह जो कॉर्नर साइड है उधर मैं कॉटन बार से ही कर रही हूँ। अब देख रहे हो ना, क्योंकि ये स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं कॉटन बार से ब्लेंड कर रही हूँ इधर कॉर्नर में। अब मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ शेडो करने के लिए। अब चाहो तो आप ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये ड्राइंग? थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लैक पोर्शन को ऑरेंज यूज कर रही हूँ मैं। नाउ मीडियम येलो, फिर से ऑरेंज, फिर से मीडियम येलो, ऑरेंजिश येलो, ऑरेंज, मीडियम येलो। वर्मिलियन यूज कर रही हूँ है अब मैं स्कारलेट यूज कर रही हूँ। फिर से वर्मिलियन,
स्कारलेट। अब मैं रैप कर रही हूँ फिंगर से। ब्लेंड करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी तरह से ब्लेंड होना चाहिए ये। अब मैं फिर से ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल से शैडो कर रही हूँ। ब्लेंड कर रही हूँ अब कॉटन बट से। अब मैं पेंसिल से पहले लिख लिया था हैप्पी मकर संक्रांति, वो मैं व्हाइट एक्रेलिक से अब लिख रही हूँ। अब मैं येलो एक्रेलिक यूज कर रही हूँ। अब मैं व्हाइट एक्रेलिक यूज कर रही हूँ। अब मेरा कलर कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है मास्किंग टेप रिमूव की, तो चलिए करते हैं मास्किंग टेप रिमूव। अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ड्राइंग। कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा पेंटिंग और ड्राइंग रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए हर रोज लाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्राइंग के साथ।